तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक पावर सेक्टर के अंदर आने वाले सबसे बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक के बारे में, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। और मेन बात देखने वाली ये है कि कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों मोटिया मोटी आप लोगों को बताऊँ तो ये कंपनी दोस्तों पावर सेक्टर के अंदर काम करती है, जिसके अंदर इग्नाइट आता है, विंड आता है, सोलर असिस्ट आती है। कंपनी एक गुजरात की गवर्नमेंट कंपनी है जो कि तीन लोगों के साथ मिलकर काम करती है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, गुजरात एल्काइल केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो मतलब इन सभी चीज़ों के साथ मिलकर कंपनी काम करती है। ये कंपनी को सब्सिडरीज कंपनीज बता दी, जो कि कंपनी का मतलब ठेकेदार भी आप लोग कह सकते हो एक शब्द में। बाकी कंपनी के दोस्तों कुछ की पॉइंट्स से रिलेटेड बात करें तो भाई, जो कंपनी का सूरत लिग्नाइट वाला पावर प्लांट है ना, वहाँ से कंपनी 250 मेगावाट तक का बिजली का उत्पादन कर देती है। बाकी मेन चीज़ यहाँ पर क्या देखने वाली है, कंपनी लगभग यहाँ पर चार पांच सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं, तो सूरत का लिग्नाइट पावर प्लांट है कंपनी का, इसी के साथ साथ सूरत में ही एक लिग्नाइट पावर प्लांट दूसरा है, वहाँ से भी कंपनी 250 मेगावाट का करती है। वडोदरा में गैस पावर प्लांट है, वहीं पर दूसरे फेज़ का भी कंपनी का वडोदरा का दूसरा गैस पावर प्लांट है। और बाकी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी जो मेन इनिशिएटिव यहाँ पर लिए हैं वो दोस्तों सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ पर कंपनी 375 मेगावाट तक का बिजली का प्रोडक्शन या फिर पावर का प्रोडक्शन कर लेती है। मेन कंपनी का मतलब यही है, जहाँ से कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है। बाकी कंपनी का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है जो कि फ्यूचर के लिए, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पर 2375 मेगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाएगी और वहाँ से भी पावर सेक्टर के अंदर कंपनी काम करेगी। बाकी दोस्तों कंपनी का मेन किस किस टाइप से पावर प्लांट दिखता है, ये चीज़ें आप यहाँ पर फोटोज़ के थ्रू समझ सकते हो। ये दोस्तों एक वीडियो भी है जिसे आप प्ले कर देख सकते हो, मेन इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके कंपनी के अलग अलग जगह अलग अलग काम देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे। कुछ इसी टाइप का दोस्तों आप लोगों को पावर प्लांट का पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी के कुछ मेन रेशियोज़। जैसे 1400 करोड़ तक के मार्केट कैप है कंपनी का, करंट प्राइस 93 रुपीज़ चल रही है। कंपनी का आरओई और आरओसी दोस्तों ठीक ठाक है। ओपीएम प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 37% तक है। और जिस कंपनी का दोस्तों ओपीएम अच्छा हो, सेल्स वगैरह अच्छे हो और कंपनी की नेट प्रॉफिट अच्छी हो, तो मेरे हिसाब से तो भाई वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। अगर यही यार ये 1.5-2% तक का रहता और कंपनी अगर 1000-10000 करोड़ तक के भी सेल्स कर लेती, तो यार उसमें ओपीएम कंपनी का निकलता अगर 2 और उसमें हो जाते कंपनी के अगर खर्चे मान लो 1 ही हो जाए, तो यार बचा क्या यार। तो इस हिसाब से कंपनी का ओपीएम यार 40 के लेवल पर ठीक है। कंपनी के सेल्स जो है वो लगभग यहाँ पर बताए जा रहे हैं 1180 करोड़ तक के, और कंपनी के रिजर्व है लगभग 2800 करोड़ तक के। और उसी के खिलाफ यहाँ पर हम जो देखें मेन जो कंपनी के ऊपर और स्टॉक्स के ऊपर जो छोटे छोटे स्टॉक्स के ऊपर चढ़ के आता है वो दोस्तों कर्जा 530 करोड़ तक का कर्जा है। तो भाई उस हिसाब से कंपनी इस डेट को क्लियर कर सकती है अपना रिजर्व का अमाउंट निकाल कर। बाकी सेल्स भी कंपनी के ठीक ठाक है। वहीं पर हम देखें डेट टू इक्विटी तो 1 से कम है, यानी कि कंपनी ये वाला कर्जा बड़ी आराम से क्लियर कर सकती है और आप कंपनी को डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 55% तक की। सेल्स ग्रोथ थोड़ी कंपनी की यहाँ पर डाउन देखने के लिए मिली है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कंपनी के कुछ प्रोज तो ऐसे ही हैं कि भाई बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी ठीक दिख रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट जो है वो लगभग 20% तक का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी डेटर डेज यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं पर अगर देखें लो रिटर्न ऑन इक्विटी और कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ भी है। बाकी कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट, जिसमें आप पहले आप यहाँ पर देख लो भाई कंपनी के जो सेल्स हैं वो हमेशा 300-300 करोड़ की एवरेज में है, और जो यहाँ पर खर्चे हैं वो 200-150 करोड़ के एवरेज में है। जिसमें कंपनी का अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट देखो तो अभी 63 करोड़ तक का है लेटेस्ट क्वार्टर में, इससे पहले 55 करोड़ था, उससे पहले 28 करोड़, उससे पहले 53 करोड़। तो मतलब यार कंपनी हर बार फायदे में ही है, और एक गवर्नमेंट कंपनी है तो भाई उस चीज़ का भी आप लोगों को फायदा देखने के लिए मिल सकता है। बाकी मैं किसी गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है और कंपनी लेकिन हर बार फायदे में ही है, और 5-6 कंपनी मिलकर दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पर फायदा निकाल ले रही है 100-150 करोड़ तक का। मेन चीज़ यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, कंपनी के ऊपर 2800 करोड़ तक का रिजर्व है, जिसमें अगर कंपनी देखें तो भाई कर्जा हमेशा कंपनी का है। कंपनी कर्जे को थोड़ा कम भी कर चुकी है, पहले 1000 करोड़ तक के थे, अब केवल 500 करोड़ तक के रह गए हैं। मेन चीज़ यहाँ पर दोस्तों कंपनी का यही है कि भाई डेटर डेज इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, यानी कि कंपनी का जो माल है उसको टाइम लग जा रहा है भाई ख़त्म करने में। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर 2% तक के जुड़ चुके हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 28% तक के हैं, गवर्नमेंट वालों ने 7% तक का अमाउंट निवेश कर रखा है,
और प्रमोटर्स में 55% तक के बंदे हैं। बाकी किन किन बंदों का नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोटर्स में कौन बंदे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर में कौन कौन लोग हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर में किस किस सिक्योरिटीज़ ने अपनी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने निवेश कर रखा है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक वालों का अमाउंट भाई कौन कौन है, मतलब किस किस बंदे ने निवेश कर रखा है, और गवर्नमेंट में कौन कौन सी कंपनीज़ है, ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी कंपनी का नाम है गुजरात इंडस्ट्रीज़ पावर कंपनी लिमिटेड। आप लोगों को क्या कहना है इस शेयर से रिलेटेड, ये बात कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह से दोस्तों पेनी स्टॉक का रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और छोटे छोटे एक रुपये से नीचे वाले स्टॉक का वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए चैनल्स पर भी जुड़ जाना, और यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारे को थोड़ा